कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत में इजाफा सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। अभी तक कुल 8 चीतों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 शावक है। इसी हफ्ते 2 वयस्क चीतों की मौत ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर चीतों की मौत की वजह क्या है। जब इस बारे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल किया गया तो उन्होंने चीतों की मौत की वजह जलवायु परिवर्तन को बताया। उनका कहना है कि वन विभाग ने इस मामले में संज्ञान लिया है। परियोजना अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी और प्रतिष्ठित योजना है। चीता सेंचुरी के कारण इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन उद्योग बढ़ने वाला है। स्वाभाविक रूप से कई बार परिस्थितियां ऐसी रहती हैं जिसके कारण नए प्राणी को जलवायु सूट नहीं करता, उसके कारण दिक्कत होती है, लेकिन उससे संबंधित जो वन विभाग के लोग हैं वो पूरी तरह उस व्यवस्था को संज्ञान में लिए हैं और जो प्रयत्न किया जा सकता है वो वन विभाग कर रहा है। वहीं चीतों की मौत पर वाइल्ड लाइफ PCCF जसवीर सिंह चौहान पर गाज गिरी है। उनकी जगह अब असीम श्रीवास्तव को नया प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र की चीता परियोजना संचालन समिति परियोजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रही है और इसके क्रियान्वयन पर संतुष्टि व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की एक समर्पित टीम तैनात की है जो चीतों को सुरक्षित रखने में कामयाब रहेगी। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट MP तक।